जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला अपना नामांकन करने सोनीपत पहुंचे और उन्होंने अपना मुकाबला बीजेपी से बताया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सोनीपत को 6 महीने का एमपी चाहिए या 5 साल का। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार तो 6 महीने में चली जाएगी। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी जहर की तरह राजनीति कर रही है और उन्होंने कहा जनता जनार्दन इस चीज का 12 मई को जवाब दे देगी। विचारधारा का एक सेवक होने के नाते ये जिम्मेदारी लेने जनता के मोदी सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने जैसे दुनिया में 29वां स्थान हासिल करता है, विश्व की कीमान स्थापित है, एक सांसद आदर्श कैसा होना चाहिए वो दर्जा प्राप्त है। मैं उनके रास्ते पर चल करके पूरा करूंगा ये वादा। आप कितना मानते हैं सर? स्वागत करता हूँ। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और कुछ लोग 6 महीने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं यहाँ की जनता को 50 साल के लिए वादा देने आया हूँ, 50 साल आपकी सेवा कर रहा हूँ। जितेंद्र सिंह हुड्डा अगर चुन करके जाते हैं तो वो यहाँ धन्यवाद दौरा करने के नहीं आएंगे, तो 6 महीने के बाद किलोई चले जाएंगे। मगर मैं वादा देता हूँ कि अगले 50 साल तक इस क्षेत्र की सेवा करूंगा। अर्थप्रकाश टीवी के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।